हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नाबार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सुझाव पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय बम्बई में है और इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करना, परंतु यह किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता है, बल्कि यह सहकारी समितियों और भूमि विकास बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है और नाबार्ड RBI के निर्देशन में सभी कार्य करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर G.R. चिंटाला हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक संचालक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपये थे, जो अब बढ़कर 2000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हो गए हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने नाबार्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।